अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 नवंबर 2024। जी हाँ, आज की आवेदन स्थिति को हम इस वीडियो में देखेंगे, मामला कहाँ तक पहुँचा, कब दोस्तों आपकी स्टेट रैंक आने वाली है। जी हाँ, आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल होगा इस समय कि हमारी स्टेट रैंक कब आएगी और उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। देखिए, एक बात याद रखिए, अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 20,000 के अंदर आती है और आप पहले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते किसी भी वजह से या भूल जाते हैं, तो फिर सेकेंड राउंड में भूल जाइएगा कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। स्पेशली जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी और SC कैटेगरी, बस इतनी कैटेगरी की तो हम बात कर रहे हैं पहले। हाँ, कुछ और स्पेशल कैटेगरी में आप सेकेंड राउंड में भी सरकारी कॉलेज पा सकते हैं। आप लोग के कमेंट्स का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों की काउंसलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये गलती आप लोग जरूर करने वाले हैं। एक बच्चे का कमेंट, क्या फालतू का वीडियो बनाते हो यार हमेशा। ठीक है, देखिए कुछ बातें आप लोग को जाननी और समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 1,40,000 शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। ये बात भी आपको जानना जरूरी है कि किन टीचर को ये नियुक्ति पत्र मिलेगा। उसके बाद देखिए, दूसरे दिन भी डटे रहे हजारों अभ्यर्थी, 2 नामजद सहित 12 पर केस हुआ, 10 हिरासत में। आगे चलकर आप लोग को भी धरना देना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। अभी तो आप लोग कांस्टेबल देख कर डर जाते होंगे, आगे क्या ही क्या करना है। देख लीजिए, 12 घंटे में 2 बार लौटे DM सचिव, छात्र मांग पर डटे। आप लोग को भैया DM से बात करनी है आगे चल कर। ठीक है, तो सिर्फ कमेंट करने से कुछ नहीं होता है, एक बड़ी बड़ी, लेकिन जब आप रियल में जाएंगे ना, ये देखिए इतने बच्चे भीड़ में थाली के साथ यहाँ बज रहा है, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो रिक्तियों का आरक्षण रोस्टर आज होगा जारी। ये भी आप जानिए आरक्षण रोस्टर क्या है, क्योंकि आरक्षण में काफ़ी बार घोटाला होता है। 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उत्तर प्रदेश में, इस वैकेंसी में दोस्तों OBC कैटेगरी और SC कैटेगरी छात्रों के साथ नाइंसाफी हुई थी। ठीक है, तो आज इस वीडियो को, जब काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो इस कैटेगरी के होंगे, OBC और SC कैटेगरी के, अभी मान लीजिए एडमिशन में 10 सीटें OBC कैटेगरी की खाली हों और उसको OBC को ना देकर UR कैटेगरी या जनरल को दे दी जाए, तो OBC कैटेगरी के छात्रों को कैसा लगेगा बताइए। ऐसा हुआ था उस समय, तो उस वजह से आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, कोर्ट में, वो भी हम आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाएंगे। रजिस्ट्रेशन, नो योर रैंक, पे सीट अलॉटमेंट, फीस, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट रिजल्ट। ठीक है, प्रथम सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, ये सारी बातें जानी है। 3 दिन में आपका पेपर कंप्लीट होता है, मात्र 3 दिन में टोटल 8 सब्जेक्ट का आप एग्जाम देंगे। अभी तक तो आप मैक्सिमम बच्चे एक दिन में एक ही एग्जाम देते होंगे, कोई भी, चाहे ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी कर रखा हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब 19 नवंबर को होगी सुनवाई। तो आप ये देखिए, तो पहले 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ में यह सुनवाई होनी थी, लेकिन समयाभाव के कारण केस की सुनवाई नहीं हो सकी। वही अगली तिथि 19 नवंबर प्रस्तावित कर दी गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बच्चे कब से वेट कर रहे हैं, आपको कुछ अंदाजा है? इसका जो इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया था दिसंबर 2018 में आया था और ये एग्जाम हुआ था 6 जनवरी 2019 को। आज चल रहा है 13 नवंबर 2024। क्या आप लोग इतना लंबा सब्र कर पाएंगे? 2019 का पूरा साल बर्बाद हुआ, 2020, 2021, 2022, 2023, गिनिए साल, 2024 चल रहा है, 6-6 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए हो क्या गया ना आजकल, गलती पता कहाँ से हो रही है, आजकल शॉर्ट्स का जमाना आ गया। शॉर्ट्स वीडियो आप लोग देखते होंगे ना, ठीक है, मात्र 5 सेकेंड 15 सेकेंड में आप लोग खाली होते हैं ना, स्वाइप करते जाइए, स्वाइप करते जाइए, तो बिल्कुल पेशेंस खत्म होता जा रहा है। और देखिए आप लोग को जब पढ़ाई भी करनी होगी ना आगे चलकर, टीचर वैकेंसी के लिए, कभी भी सुपर टेट के लिए, तो आप लोग जब पढ़ने बैठेंगे तो कम से कम 8-10 घंटे ऐसे पढ़ लीजिएगा कि पता भी ना चले। ये ना हो कि आप लोग 1-1 घंटे के बाद मोबाइल चेक कर रहे हैं कि मोबाइल में नोटिफिकेशन है कि नहीं। बिल्कुल फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर रखना है और पढ़ना शुरू करना है, पूरी किताब ख़त्म करनी होगी। तो रिक्तियों का आरक्षण रोस्टर आज से होगा जारी। देख सकते हैं यहाँ पर हुआ क्या है, BPSC बुधवार को अपने वेबसाइट पर तीसरे चरण के शिक्षक
नियुक्ति परीक्षा के प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षकों की रिक्तियां आरक्षण जो आरक्षण है उसका रोस्टर क्लियरेंस के साथ अपलोड करेगा। प्राथमिक विद्यालय में रिक्तियों की संख्या 28,000 है जबकि मध्य विद्यालय में 18,000। 50% आरक्षण रोस्टर की पुरानी नीति के साथ इन्हें जारी किया जाएगा। विदित हो कि TRE-3 का विज्ञापन 65% आरक्षण की नई नीति के अंतर्गत निकाला गया था लेकिन बाद में 65% आरक्षण को पटना हाई कोर्ट द्वारा रद्द करने पर सरकार ने फिर से 50% आरक्षण जो आरक्षण रोस्टर को अपनाकर उसके अनुरूप TRE-3 का रिजल्ट निकालने का निर्णय लिया है। तो ये दोस्तों पूरा मामला है। मामला ये हुआ था बिहार में कि जो आरक्षण था उसको 65% कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें फायदा किन बच्चों का होगा? OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, इन बच्चों का फायदा होना था। लेकिन अब इसको आरक्षण को घटाकर फिर कितना कर दिया गया? 50%। आरक्षण घटाया क्यों गया? क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया था और देख सकते हैं कोर्ट का आदेश था। ठीक है ना, तो कुछ बातें आप लोग जानिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं तो फिर आप लोग को पता नहीं चलता है। तो अभी दोस्तों DLED में लगभग मान के चलिए 10,600 सरकारी सीट्स हैं, ठीक है, सरकारी कॉलेज की। तो अब क्या होगा, इसी में से सभी बच्चों को सरकारी कॉलेज मिलना है। 10,600 में से जनरल के भी बच्चे आते हैं, EWS के बच्चे आते हैं, OBC कैटेगरी के आते हैं, SC कैटेगरी के आते हैं, ST कैटेगरी के आते हैं, ठीक है, PH कैटेगरी के आएंगे, फ्रीडम फाइटर में, एक्स सर्विसमैन में, सबके लिए अलग अलग सीटें आरक्षित रहेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, आरक्षण में होता क्या है, मान लीजिए जनरल कैटेगरी कहिए या UR कैटेगरी की कट ऑफ 240 नंबर गई, ठीक है, और कोई हमारा OBC का बच्चा या SC कैटेगरी के बच्चे या ST के, अगर ये बच्चों का नंबर किसी के भी बच्चे इन कैटेगरी के 241 आ रहे हैं, ठीक है, तो इन बच्चों को OBC की सीट ना मिलकर सीधे UR कैटेगरी की सीट मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए UR कैटेगरी में 10 सीटें बची हैं, बाकी आरक्षित वर्ग में 10 सीटें हैं, तो इस बच्चे का जो एडमिशन होगा वो UR कैटेगरी का होगा, तो UR में 9 सीटें हो जाएंगी, आरक्षित वर्ग में अब भी 10 में रहेंगी, भले वो बच्चा किसी भी आरक्षण के अंतर्गत आता हो। ठीक है, जो UR कैटेगरी की सीट होती है वो अनारक्षित होती है, ठीक है, आप ज़्यादा नंबर लाइए वहाँ पर आपको सीट्स मिल जाएगी। वो बच्चा PH कैटेगरी का भी हो सकता है, याद रखिएगा स्पेशल कैटेगरी के बच्चे भी UR कैटेगरी में जा सकते हैं। उससे होता क्या है ये भी बात समझ लीजिए, उससे होता ये कि आपने एक तो जनरल कैटेगरी की आपने एक सीट ले ली, आपने नए OBC या अपने आरक्षित वर्ग के लिए एक सीट बचा ली है, अब उससे कम नंबर पाने वाले बच्चों का एडमिशन हो सकेगा, ये बात होती है, बस और कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगला कमेंट देखें यहाँ पर, OBC कानपुर से जनरल से हूँ, ठीक है, यहाँ OBC यहाँ से जनरल, हमारा 185 है तो क्या होगा? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये रहेगा अभी कि क्या आपकी स्टेट रैंक रैंक 1 से लेके 2,40,000 के बीच में आती है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, इस पर आप थोड़ा नज़र बनाए रखिएगा। सर ये अंक पत्र और प्रमाण पत्र क्या है, ये दोनों एक ही है अलग अलग? देखिए हाई स्कूल का जो रिजल्ट होता है और 12वीं का, पहले का जो रिजल्ट आता था आज से कुछ साल पहले, उसमें रिजल्ट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता था, लेकिन आजकल क्या होता है, हाई स्कूल का जो रिजल्ट रहेगा उसी पर आपको सर्टिफिकेट नंबर भी मेंशन रहेगा, ठीक है, बस ये हो गया। स्टेट रैंक कितने दिन में आ जाएगा आप, तो स्टेट रैंक ज़्यादा समय आपको लगेगा नहीं, ठीक है ना, सब्र करिए, जल्दी स्टेट रैंक आपके सामने होगा, स्टेट रैंक एक हफ्ते का वेट करिए कम से कम। मेरा तो आंसर दे दीजिए सर, 202 नंबर है, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा आपको। अब चलिए इनका कमेंट देखते हैं, सर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में प्रेफरेंस के हिसाब से अगर कॉलेज हमारी फिफ्थ प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिला है पर हमें थर्ड प्रेफरेंस वाला कॉलेज हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, तो क्या नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में चांस मिल सकता है? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी गलती हजारों बच्चे करते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग भी कमेंट करिए, कुछ अच्छे कमेंट करिए, ये कमेंट करने से बेहतर है आप कोई सवाल पूछ लीजिए जिससे आपको भी फायदा हो, आपके जैसे कितने लोगों को फायदा होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, अब क्यों अच्छा है हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपने पांच कॉलेज का नाम डाला, पहला कॉलेज आपने डाल दिया डायट, आपकी सिटी जो भी आपके जिले का डायट पढ़ते हो, ठीक है, दूसरा कॉलेज आपके पड़ोस का प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, तीसरा कॉलेज ऐसा कॉलेज है जहाँ पर आपकी कभी क्लास नहीं करना, मतलब गुड कॉलेज है, चौथा कॉलेज ठीक है आपके दूसरे पड़ोस का ही कॉलेज है, ऐसा भी हो सकता है भाई पड़ोस में किसी के चार पांच कॉलेज है, पांचवा कॉलेज घर से बहुत दूर है, ठीक ये चीज़ है।
कॉलेज आपने चूज कर लिए हैं इसमें से आपको, ठीक है, जैसे आपको किसी ने, आपने दोस्तों ने बता दिया भैया इन 5 कॉलेज के नाम लिख लीजिए, इसी को काउंसलिंग देना। तो याद रखिएगा जो आपकी ये प्रेफरेंस बने, ठीक है, वो ऐसी प्रेफरेंस बननी चाहिए जो आपके लिए सुटेबल हो। मान लीजिए कि आपने 5ों कॉलेज का नाम डाला और आप लोगों को कॉलेज मिल गया 5वां वाला, सीधे मिल गया दूर वाला कॉलेज, तो अब क्या कर सकते हैं? अब दोस्तों अगर आपने चॉइस फिलिंग के लिए पहले जो 5 हज़ार आप देंगे, अगर आपको उसके बाद ये कॉलेज मिलता है, ठीक है, आपके ही हिसाब से कॉलेज मिल गया, बाकी इन 4 कॉलेजों में नहीं मिल पाया, उसका रीजन ये होगा क्योंकि वहाँ आपके रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। जो आप रैंक पाए, रैंक के हिसाब से तो काउंसलिंग होगी ना, ठीक है, हो सकता है ये 4 कॉलेज ना मिल पाए उस समय। तो क्या होगा अगर 5वां कॉलेज मिल गया, तो एक ही कंडीशन में 5वां कॉलेज हटा सकते हैं, आपको या तो दोबारा से 5 हज़ार देना पड़ेगा, ठीक है। तो काउंसलिंग के समय आप उन्हीं कॉलेज का नाम दीजिएगा जहां पर आपको एडमिशन लेना है, कोई ऐसे वैसे कॉलेज का नाम मत दीजिएगा जहां आपका मन नहीं है, ठीक है। अगर ये 5 कॉलेज है आपके लिए, पता है कि भाई मेरे लिए सिर्फ एक गुड कॉलेज है, कोई बात नहीं, आप काउंसलिंग में सिंपल था एक कॉलेज का नाम डालिए अपने लिए गुड, जो आपके लिए बढ़िया, बात खत्म। एक ये तरीका होता है, ठीक है, इतने अड़ोस पड़ोस दूर के चक्कर में नहीं पड़ना है कि पता चले भैया डाल तो दिए, फिर उसके बाद कह रहे सर जी ये तो हमको चाहिए नहीं, नहीं चाहिए तो 5 हज़ार आपको डुबाना पड़ेगा, मतलब उसको बोलिए, फिर 5 हज़ार देके फिर चॉइस फिलिंग करिए, फिर आगे 5 हज़ार देके सीट कंफर्म करिए, ये आपके ऊपर टोटल डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो 5 हज़ार की बात है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो कल कुछ लोग आपको बताएंगे नहीं और आपका गलत होगा, फिर आप परेशान होंगे, और हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि आप उस कॉलेज में जाइए जहाँ आपका मन ना हो। अब आपको मान लीजिए दूर वाला कॉलेज मिल गया, अब आपका मन तो नहीं था लेकिन अब आपको जाना पड़ेगा, आप सोचेंगे यार क्या ही करे, 5 हज़ार, 5 हज़ार एक बहुत बड़ी पैसा है, ठीक है, आप लोग यार 50 रुपये इधर उधर गिर जाता तो इतना दिक्कत होती है, ठीक है, 10 ही रुपये गिर जाएगा कम से कम 10 का गोलगप्पा तो मिलेगा ना, ठीक है ना। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सर मेरा 227 है, जनरल से हूँ तो हमें सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, प्लीज़ सर बता दीजिए हमें गोंडा कॉलेज मिल जाएगा प्लीज़ सर, ठीक है। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आप कितने नंबर थे तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना चाहिए, पहले फॉर्म भरते समय EWS चूज करना चाहिए था क्योंकि चांस बने। आपको क्या लग रहा है 227 नंबर, यहाँ OBC वाले ही 227 से ज़्यादा नंबर पा के बैठे होंगे, OBC SC कैटेगरी EWS, वो 227 में बचने ही नहीं देंगे, जनरल की सीट सारी खत्म कर देंगे, ठीक है, तो फिर चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब जरा इस अपडेट को देखिए, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, हुआ क्या था बिहार में, टीचर को परमानेंट करने के लिए सक्षमता परीक्षा करा ली गई, ठीक है, अब उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, उनको राज्य कर्मी का दर्जा भी दिया जाएगा, ठीक है, राज्य कर्मी का, उत्तर प्रदेश के जो टीचर हैं अभी उनको राज्य कर्मी का दर्जा नहीं मिला, ये बात ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश में टीचर हैं प्राइमरी स्कूलों में उनको राज्य कर्मी का दर्जा नहीं दिया गया। यहाँ पर देखिए UPPSC व RO AR O की परीक्षा 2 दिन कराने और नॉर्मलाइजेशन पर तकरार है, प्रयागराज में लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने अब अध्यक्ष के खिलाफ खोला है मोर्चा। एक बात याद रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हम भी हमेशा रहते हैं, मान लीजिए 2 दिन में आपको पेपर होता है, ठीक है, तो हो सकता है कि किसी शिफ्ट का पेपर आसान हो किसी का कठिन हो, ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना, ये एकदम बेकार चीज है, तो ऐसा ना ही हो तो बेहतर है, ठीक, इसको जरा ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन एकदम खराब चीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो यहां पर देखिए पहले बड़ी खबर क्या है, देर रात 11 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया, मंगलवार देर रात 11 छात्रों को कैंट थाने की पुलिस ने हिरासत में लिया, यह सभी छात्र एक कोचिंग की लाइब्रेरी को बंद कराने के लिए जा रहे थे, इसी बीच पुलिस कैंट थाने की पुलिस सभी छात्रों को पकड़कर थाने में ले गई, इसकी जानकारी होते ही लोक सेवा आयोग के सामने धरना रत छात्रों में नाराजगी बढ़ गई, छात्रों ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक ढंग से जारी आंदोलन को पुलिस के बल पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या होता है आजकल, ठीक है, सिर्फ बैठ के कमेंट करना और घर से बाहर निकलना, सोच रहे हैं रात में, देर रात में बच्चे धरना दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सब सही हो जाए, इतनी ठंड भी पड़ रही है आपको पता ही होगा, उसके बाद क्या क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना करें, काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं सर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो अब आगे का प्रोसेस क्या है, क्या करना है आपको फिलहाल, ठीक है, अभी आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, ठीक है, जो भी अपडेट्स है, जो भी डाउट्स है शिक्षक भर्ती से संबंधित, DLED में आपके कितने नंबर होने चाहिए, कैसे आपको नौकरी मिलेगी, टेट CTET कब आपको देना है, जो भी आपके डाउट्स है आप पूछिए, ठीक है। तो फिलहाल चॉइस फिलिंग के लिए हम लोग तैयार रहेंगे,
ये सारे सब्जेक्ट हैं, याद रखिएगा। दूसरे दिन विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन, तीन कठिन पेपर एक ही दिन होगा, ठीक है। गणित में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। हिंदी संस्कृत और कंप्यूटर का एक दिन, बाल विकास शिक्षण अधिगम सिद्धांत एक दिन, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट रैंक का रिजल्ट। स्टेट रैंक का दोस्तों जो रिजल्ट आएगा कुछ ऐसा सा होगा, आपका नाम, पिताजी का नाम, माता जी का नाम, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन का विवरण आपके पास होना चाहिए। हमने आपको पहले बोला था, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। अगर आप देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आएंगे, DLET स्टेट रैंक, ये सारी चीजें, तो यहाँ पर दोस्तों जब प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक पेज ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो सब बेकार हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ काम समय से कर लीजिए, वो एक्सपीरियंस हम आपको बताते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं चलो जब मन करे कर लेंगे, आज वो बच्चे परेशान हो रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल देख सकते हैं तो DLETresult.com दोस्तों वेबसाइट याद रखिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।